The internet is full of bro science, fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon, and you never have to go anywhere else ever again. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप दोस्तों? मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के बारे में। ये वही वायरस है जो आपके शरीर में कई प्रकार के कैंसर का कारण बनता है, और ये बहुत कॉमन भी है, हो सकता है आपके शरीर में भी मौजूद हो। आज हम बात करेंगे ये HPV वायरस होता क्या है, उसका टेस्ट क्या होता है, HPV वायरसेस के टाइप क्या होते हैं, और उसके विमेन और मेन के अंदर दोनों में मौजूद हो सकता है, इसके वजह से होने वाले कैंसर्स कौन कौन से होते हैं, इसके टेस्ट कब यूज होता है, इसका टेस्ट कैसे और कहाँ क्यों किया जाता है, और किसको जरूरत है इसके टेस्ट करवाने की, और इसका प्रोसीजर क्या है टेस्ट का, प्रिकॉशंस क्या लेना है टेस्ट से पहले, क्या नहीं करना है, और रिजल्ट आपका नॉर्मल है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है तो उसका क्या मतलब है, पॉजिटिव है तो आप क्या करें, आपको कैंसर होने का रिस्क है कि नहीं है, और पॉजिटिव आता है तो कैसे आगे बढ़ें, और आपको इसके बारे में वैक्सीनेशन भी हो सकता है तो इसका वैक्सीन का क्या लेना देना है, ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। याद रखिए, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नॉर्मली लोग कवर नहीं करते हैं पर हम कवर कर रहे हैं। तो अब तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, लाल बटन दबाना है। याद रखिए, यहाँ दी गई सारी जानकारी किसी एक डॉक्टर का मत या ओपिनियन या नहीं है, ये US नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी से अप्रूव्ड ट्रस्टेड इंफॉर्मेशन है, जो रेफरेंस इंफॉर्मेशन है वही आपको दी जाती है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज HPV टेस्ट? HPV मतलब ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ये सबसे कॉमन टेक्निकली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। जी हाँ, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, और दोनों मेन और वुमेन दोनों को इन्फेक्ट कर सकता है। ज्यादातर लोग जिनको ये ऑलरेडी होता है उनको कभी कोई सिम्टम या कभी कोई हेल्थ प्रॉब्लम होता ही नहीं, ज्यादातर लोगों में। टाइप क्या होते हैं, सेक्सुअली कैसे ट्रांसमिट होता है वो भी समझेंगे। देर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ HPV और उनके वजह से बीमारियां हो सकती है। लो रिस्क HPV में से आपको वॉट्स हो सकते हैं, जेनाइटल एरियाज में, कई बार मुंह के आसपास वॉट्स दाने हो सकते हैं, ग्रोथ हो सकती है। और लो रिस्क HPV से आपको आर्म्स पर और हैंड्स पर, फीट पर, फिंगर पर, कई जगहों पे वॉट्स हो सकते हैं, जो काफी सिंपल होते हैं, कोई मेजर सीरियस नहीं होता है, और वो कई बार अपने आप ही चले जाते हैं। देखो, माइनर कई बार उसमें अगर आपको निकालवाना हो तो छोटा सा ऑपरेशन प्रोसीजर करके छोटे से इससे दो OPD पेसिस पे भी निकल जाता है, माइनर ऑफिस प्रोसीजर पे। हाई रिस्क HPV वो होता है जहां पर वो सिम्टम जो है खुद से नहीं जा रहे हैं और लॉन्ग लास्टिंग इन्फेक्शन हो रहा है, दाने ही आते जा रहे हैं, ग्रोथ आते ही जा रहे हैं, वॉट्स आते ही जा रहे हैं, ऐसे केस में वो कैंसर का रूप धारण कर सकता है। हाई रिस्क HPV और HPV टेक्निकली फीमेल्स में सर्विकल कैंसर, बच्चेदानी के अंदर से उसका मुंह होता है सर्विक्स, उस सर्विकल कैंसर का सबसे कॉमन कॉज है, और उसी से मुंह का कैंसर, गले का कैंसर भी हो सकता है, एनस का और वजाइना का, पेनिस का कैंसर भी हो सकता है, तो कई सारे कैंसरों का कारण है, बन सकता है HPV। सो HPV की टेस्टिंग जो है हाई रिस्क HPV के लिए करनी चाहिए, लो रिस्क HPV को वैसे जरूरत नहीं होती। अगर आपका वॉट एक आधा दो आ रहा है तो उससे पता चल जाएगा ये लो रिस्क है, उसमें टेस्टिंग करने की जरूरत नहीं होती। हाई रिस्क HPV जब बहुत ही ज्यादा मात्रा में आपके फैले हुए वॉट्स आ रहे हैं तब जरूरी हो जाता है। ऐसे केस में आपका इवन सर्विकल कैंसर या छुपे हुए कैंसर का टेस्ट करना जरूरी हो जाता है, कहीं वहां पर आपके अगर शरीर में दिखने वाले वॉट्स हैं तो कहीं अंदर कैंसर तो नहीं बन रहा। तो सर्विकल कैंसर का जो स्क्रीनिंग टेस्ट है उसे कहते हैं पैप्समियर, और पैप्समियर आपके डॉक्टर वैसे भी आपके रेकमेंडेड होते हैं, उस पर एक डिटेल वीडियो अलग से है, जरूर देखिएगा पैप्समियर का वीडियो ऑन डॉक्टर एजुकेशन। इसके अलावा HPV टेस्ट अगर साथ में पैप्समियर दोनों एक साथ किया जाए उसे को टेस्टिंग भी कहते हैं। सो HPV टेस्ट कब करते हैं, जब किसी फीमेल की उम्र 30-65 के बीच में है उसमें रेकमेंड किया जाता है, और अगर आपको कभी भी एक एबनॉर्मल पैप्समियर आया है तो जरूर करना चाहिए कि आपके अंदर HPV वायरस तो नहीं है। अगर आपकी उम्र 30 साल से कम है जिनका नॉर्मल पैप्समियर है तो उनको HPV टेस्ट की जरूरत नहीं है, और यंग लोगों में अगर होता भी है HPV का इन्फेक्शन तो वो ज्यादातर केस में खुद ही ठीक हो जाता है। सो ये ऐसा वायरस है। इसके टेस्ट करने के लिए याद रखिए कि आप HPV के टेस्ट के लिए आपके डॉक्टर जो है आपका नीज बेंड करवा के आपको रेस्ट करवाएंगे, सपोर्ट करवाएंगे, लेटाएंगे, और प्लास्टिक एक स्पेकुला को आपके वजाइना में डाल के आपके सर्विक्स को थोड़ा सा देख सकते हैं वो, और उससे एक सॉफ्ट से ब्रश से स्पेचुला से वो कलेक्ट करेंगे सर्विक्स के आसपास से कुछ टिश्यू, जिससे आपका
पैप स्मियर और एचपीवी टेस्ट दोनों वहीं के वहीं से हो जाएगा। और आपके एक और सैंपल लिया जा सकता है, कई बार लोग अगर बोले तो एक सैंपल से नहीं हुआ तो दूसरा, यानी पैप स्मियर के लिए भी वहां से और एचपीवी टेस्ट के लिए भी वहां से सैंपल लिया जा सकता है। प्रिकॉशंस क्या लेने, जब भी अगर आप ये वाला टेस्ट करवाने जा रहे हैं तो आपके पीरियड्स चल रहे नहीं होने चाहिए। आपने कोई कुछ दिनों, मान लीजिए दो दिन पहले, टेस्ट के दो दिन पहले से आपने टैम्पॉन्स यूज नहीं करना है, वजाइनल मेडिसिन या बर्थ कंट्रोल पिल्स यूज नहीं करना है, फॉर डोज यूज नहीं करना है, या दो दिन पहले से आपने सेक्स नहीं करना है, ये ध्यान में रखिएगा। अगर रिजल्ट आपका नॉर्मल है तो नेगेटिव आएगा, यानी कि आपके शरीर के अंदर हाई रिस्क एचपीवी नहीं मिला, और आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर आपको बोलेंगे कि भाई चलो बढ़िया है, वेरी गुड, पांच साल बाद आपका टेस्ट करेंगे, या आपकी मेडिकल हिस्ट्री और एज के हिसाब से कहेंगे दो साल बाद, एक साल बाद करके फिर से देखेंगे। अगर आपका पॉजिटिव आता है दैट मींस आपके शरीर के अंदर हाई रिस्क एचपीवी वायरस मिला है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कैंसर हो चुका है, इसका मतलब है कैंसर का रिस्क है आपको। तो आपका रिस्क कैंसर फ्यूचर में ना हो जाए इसके लिए और ज्यादा जल्दी जल्दी आपके मॉनिटरिंग करनी होगी, टेस्ट करना होगा कि अगर कैंसर आता भी है तो उसे जल्दी पकड़ लें। तो ऐसे में आपके कोल्पोस्कोपी यानी कि वजाइना और सर्विक्स को देखने का टेस्ट रेगुलरली होगा। सर्विक्स में अगर कोई भी उल्टा सीधा दिखता है तो उसको बायोप्सी करके चेक करना होगा, और वेरी फ्रीक्वेंटली आपका को टेस्टिंग यानी एचपीवी और पैप स्मियर का टेस्ट करना होगा। एक बार एचपीवी पॉजिटिव है दैट डजंट मीन कि हर बार पॉजिटिव होगा, बॉडी हैज अ कैपेसिटी टू क्लियर एचपीवी ऑल्सो। अगर पॉजिटिव है तो रेगुलरली मोर फ्रीक्वेंटली टेस्ट करना होगा, अपने डॉक्टर से बात करते हैं। और अगर वो, याद रखिए, एक एबनॉर्मल सर्विकल सेल्स भी अगर आ जाते हैं कि सर्विकल सेल एबनॉर्मल है तो उसको डेकेड्स लगते हैं, 10 से 20 साल लग सकते हैं उसको कैंसर में तब्दील होने के लिए। तो याद रखें कि सर्विकल कैंसर को प्रिवेंट करना बहुत आसान है, रैदर देन अगर एक बार सर्विक्स का या फीमेल नीचे का एरिया का कैंसर बन के वो फैल गया तो उसको ट्रीट करना उससे हजार गुना ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए अपने डॉक्टर से बात करके ये टेस्ट करवाएं। और याद रखें, हेपेटाइटिस ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं है, पर ज्यादातर इन्फेक्शन खुद ही ठीक हो जाता है। अगर आप कर सकते हैं तो इसको रेगुलरली टेस्ट कर सकते हैं, और सेक्सुअल प्रिकॉशंस अपने ले सकते हैं, अपना एक ही सेक्सुअल पार्टनर आपके रख, जितना कम सेक्सुअल पार्टनर उतना अच्छा, और सेफ सेक्स करिए, कॉन्डम का यूज करिए, तो आपका रिस्क कम हो जाएगा। एचपीवी वैक्सीन भी आती है, वैक्सीनेशन और ज्यादा इफेक्टिव है, एचपीवी की वैक्सीन सेफ इफेक्टिव वे है जिससे आप अपने एचपीवी इन्फेक्शन को बढ़ने से रोक सकते हैं। वैक्सीन बेस्ट वर्क करती है अगर वो तब दिया जाए जो कभी वायरस से एक्सपोज नहीं हुआ हो। सो इट्स बेटर टू टॉक टू योर डॉक्टर, योर गायनेकोलॉजिस्ट, योर यूरोलॉजिस्ट टू गेट अ एचपीवी वैक्सीन। सो सीडीसी रेकमेंड करती है बॉयज एंड गर्ल्स के 11 से 12 की उम्र से आप वैक्सीन ले सकते हैं। नॉर्मली इसके 2 या 3 वैक्सीन शॉट्स लगते हैं कुछ हफ्तों, कुछ महीनों के डिफरेंस में, और डोसेस डिपेंड करता है आपकी उम्र क्या है, आप कितने यंग हैं, और इसके रिकमेंडेशंस आपको आपके गायनेकोलॉजिस्ट या आपके यूरोलॉजिस्ट आपको बता देंगे। सो ये पूरी जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको समझते हैं तो कृपया इस जानकारी को शेयर करें अपने दोस्तों में, और प्लीज अगर लास्ट तक पहुंच गए हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब का बटन दबाए बगैर जाना नहीं है। थैंक यू सो मच, दिस इज डॉक्टर परमजीत, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।